जन प्रतिनिधि जो है उनकी शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम निर्धारित की जानी चाहिए, क्योंकि सर मैं प्रधान हूँ। अभी हम लोग काफी कोशिश करते हैं, हम लोग ये भी हर योजना का इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन जो भी हमारी सरपंच है वो बहुत ज्यादा, मतलब सिग्नेचर तक करना मैंने उन्हें सिखाया है। दोष उनमें नहीं है, दोष कहीं ना कहीं एक ऐसा जमाना था जब उन्हें तालीम नहीं दी गई थी। गाँव छोटा हो या बड़ा हो, उसको गांधी जी के अनुसार स्वतंत्र पंचायत का दर्जा दिलाइए, एक मॉडल कानून देश के लिए बनवाइए। देश भर से आए पंचायत प्रतिनिधि कांग्रेस उपाध्यक्ष और पार्टी के चुनाव अभियान के प्रमुख राहुल गांधी को पंचायत व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव दे रहे हैं। दरअसल वर्धा के सेवाग्राम में कांग्रेस की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का मकसद पार्टी के घोषणा पत्र के लिए सुझाव जुटाना है। पार्टी की इस पहल को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी से कांग्रेस को और ज्यादा जोड़ने की कोशिशों के रूप में देखा जा रहा है, तो कांग्रेस का दावा है कि वो इसके माध्यम से लोगों को अधिकार संपन्न बना रही है। देश में जो जनता है उसको शक्ति देनी है, जो आम युवा है, जो आम महिला है, जो हर रोज लड़ते हैं उनको शक्ति देनी है, और ये जो हमारे राजनीतिक संगठन है इनको बदलना है। हमने एक नए तरीके से मैनिफेस्टो बनाने की बात शुरू की, और जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे जाके हमने पूछा कि भाई आपको मैनिफेस्टो में क्या चाहिए। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में राहुल ने राजनीतिक तंत्र में बदलाव के लिए स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। एक बार फिर हम एमपी को पार्लियामेंट में पावरफुल बनाएं, एमएलए को हम विधानसभा में पावर दें, और आपको हम गांव में और कस्बों में पावर दें, तीनों को करेक्ट करना है। कांग्रेस ने फरवरी के पहले हफ्ते में अपना घोषणा पत्र जारी करने का ऐलान किया है, तो पार्टी 10 फरवरी तक करीब 200 उम्मीदवारों के नाम भी घोषित करना चाहती है। एक और राहुल घोषणा पत्र के लिए आम लोगों के साथ देश भर के तमाम तबकों के सुझाव ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने यह भी ऐलान किया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान 15 उम्मीदवार सीधे जनता से पूछकर उतारे जाएंगे। सुधाकर दास, डीडी न्यूज़।